नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड में इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि सोहरा पंचायत है और सोहरा पंचायत में जो वर्तमान मुखिया हैं उनको छोड़कर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बार के कैंडिडेट रहेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। एक कैंडिडेट मेरे साथ बैठे हुए हैं जो अमरनाथ झा हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वो अपने पंचायत के लिए क्या बदलना चाह रहे हैं, इसमें सोहरा हो या माखनपुर हो या धीरोपट्टी हो, बहुत सारे ऐसा गाँव है जो इस गाँव पंचायत से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। और खासकर क्या तस्वीर बदलना चाह रहे हैं अमरनाथ झा अपने पंचायत के लिए, वो हम इनसे जानेंगे। देखते हैं। स्वागत है अमरनाथ जी। सबसे बड़ी बात है कि आप लगातार राजनीतिक क्षेत्र में लगे रहते हैं और इस बार आपने क्या सोचकर पंचायती चुनाव लड़ने का सोचा? हम अमरनाथ झा, नाम है चमर, आनंदपुर सहरा पंचायत के वासी छी, जन वितरण प्रणाली के 25 वर्ष से विक्रेता छी और 25 वर्ष से हम समाज में राजनीति से जुड़ल, समाज सेवा से जुड़ल, हर व्यक्ति से जुड़ल छी। और अइबेर हमरा जे छै से विचार भेल, हम अपना लेल कहियो वोट नहि मंगलहुँ या मानि लिअ जे खड़ा नहि भेलहुँ, अइबेर हमरा विचार भेल जे चुनाव लड़ल जाय, तऽ हम अपन तैयारीमे छी चुनावमे लड़ैके लेल। आओर हमरा जे छै से पंचायतक जे स्थिति छै तकरा हम मानि लिअ बदलऽ चाहै छी, सर्वसुलभ जनताके से हम देखऽ चाहै छी। ककरो इंदिरा आवासके जरूरत छै, जकरा सबसँ पहिने जरूरत छै हुनका सबसँ पहिने व्यवस्था कयल जेतै, आ सीढ़ी बाइज पीढ़ी बाइज हम व्यवस्था सूचीबद्ध कऽ कऽ पहिने गरीबके, तकर बाद ओहिसँ जे कनि अधिक छथि तिनका एना एना कऽ कऽ से सरकारी योजनाके लाभान्वित करब। आओर हम वादा करै छी जे जतेक ई विधवा छथि पंचायतमे, हर आदमीके हम ओहने ओहने गरीबके पीला कार्डसँ सम्बन्धित करब, जोड़ब। आओर अहाँके जल नल योजनामे कतौ त्रुटि छै, अनियमितता छै, तऽ ओकरा हम सुधार करब। इंदिरा आवासमे कतौ अनियमितता छै, तऽ ओकरा सुधार करब। जन वितरणमे कतौ बहुत अधिक अनियमितता छै, तऽ ओकरा हम ध्यान देबै। आओर इंदिरा आवासमे सुलभ कऽ देबै सारा व्यवस्था, किनको केओ पेंशन भोगी मने पेंशन लायक छथि हुनका यदि पेंशन भेटै छथि, आओर गरीब छथि तऽ हुनका लेल स्पेशल व्यवस्था, हम सेवा शुल्क बिना कोनो निःशुल्क बिना कोनो सेवा शुल्क के हर आदमीके उपलब्ध रहबै। आओर कोनो आदमी गरीब छथि, हुनका राशन कार्ड नहि छनि, वंचित छथि, तऽ हुनका हम ई व्यवस्था जे हैत समाजमे हर व्यवस्थाके देखबै। हमर वादा रहत जे कोनो आदमीके बार बार हमरा ओहिठाम दौड़ऽ नहि पड़ै या ब्लॉक दौड़ऽ नहि पड़नि, हम ओहि फाइलके टेकअप कऽ कऽ जतेक सरकारी योजना छै सबके हम जनताके लेल सुलभ करब। इन सभी बातों को लेकर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी, अही सब के लोग हम पंचायत चुनाव लड़ना चाहे छी। हम बहुत बेर राजनीति से जुड़ल छी, 25-30 साल से बहुत बेर अन्य अन्य आदमी सब के लेल हम वोट मंगलहुँ हैं, विधानसभा में, समितियों में, सरपंचों में, मुखियों में, जिला परिषदों में, लेकिन अपना लेल कहियो नहीं मंगलहुँ। एहि बेर हम विचार करूँ, चुनाव लड़ी और जनता के सेवा करी। क्या लग रहा है आपको कि जो जनता का सपोर्ट है वो कैसे मिलेगा आपको? हमरा तऽ लागि रहल अछि पूरा सपोर्ट अछि। हमरा पंचायतमे माखनपुर गाँव छै, आनन्दपुर सहोरा गाँव छै आओर खिखराही टोल, आनन्दपुर सहोरा पंचायतमे माखनपुर गाँव जुड़ल अछि, एगो टोल गोरापट्टीके जुड़ल अछि, खिखराही टोल जुड़ल अछि, जीरोपट्टी जुड़ल अछि, चनखरिया जुड़ल अछि, मधुपट्टी जुड़ल अछि आ लक्ष्मीपुर हाता डेवढ़ी लक्ष्मीपुर डेवढ़ी जुड़ल अछि आओर सम्पूर्ण सहोरा ग्राम एहिमे जुड़ल अछि। आओर हम 25 सालसँ जनताके सेवामे लागल छी। हम तऽ जाहि जगह जाइ छी हमरा भरपूर समर्थन भेटैए, पूर्ण समर्थन भेटैए, सब आशीर्वाद दै छथि। अहाँसब पत्रकार छी, अहाँसबके सब ज्ञात हैत, अहाँसब हर जगह जाउ, इंटरव्यू लिअ, जनताके पूछियौ, हमरा पूर्ण भरोसा अइ जे हम जीतब। ये बताएँ कि खासकर जो पंचायतमे इस वक्त योजना चल रहा है सरकारके मुखियाके लेवलमे, तो क्या लग रहा है कि लोगों को मिला है कि नहीं मिला है, किन बातों को आप? पंचायतमे जतेक योजना चलि रहल हइ ओहिमे जे त्रुटि छै ओकरा सबके हम निदान करब, जिनका जे भेटलनि नहि भेटलनि सबके हम निदान करब। हम एक नजरसँ, समानताके नजरसँ समाजमे सबके देखबै, ई हमर मने वादा अछि। जिनका नहि भेटलनि हँ सरकारी योजनाके लाभ, हुनका सबके हम दिएबनि, बढ़ि चढ़ि कऽ हिस्सा लेब। आओर हमरा पूर्ण भरोसा अइ जे जनता हमरा जितेता, हम तऽ जहाँ जाइ छी हमरा भरपूर आशीर्वाद भेटैए। अहाँसब अपना स्तरसँ देखियौ, पता करू जे हम मानि लिअ जे की स्थिति छै जनताके मूडके। हमसब तऽ पूर्ण आश्वस्त छी जनतासँ। जतेक पानिक समस्या अइ, गन्दगीके अम्बार अइ, गन्दगीके समस्या अइ, सबके हम समाधान करब, जतऽ तक सम्भव भऽ सकतै नालाके निर्माण करब,
और गंदगी के सफा करब और माखनपुर जो सड़क जाइए मुख्य मार्ग से चंदनपट्टी से बसहा मिर्जापुर तक जो सड़क है वो जो है से अखन तक खराब है चल लायक नहीं है खरंजो उखड़ल से जहाँ तहाँ और चल लायक नहीं टूटल सड़क ओकरा बनवाएब और हम एगो समय निर्धारित कर देवे घर पर कार्यालय चला वही समय में जतेक जनता एता केओ आवासीय प्रमाण पत्र के लिए केओ जाति प्रमाण पत्र के लिए या किनको वृद्धा पेंशन के लिए या किनको राशन में दिक्कत के लिए या इंदिरा आवास के लिए कोनो बात के लिए हमरा दरवाजा पर एता तो हुनका हम घूमर नहीं देबन वापस नहीं करबन बार बार नहीं तोड़े आप सबक सौंदर्यीकरण करब गंदगी के हटवा देवे जहाँ जे पेटिशन वाल देव के सड़क टूट रहा है पोखर किनारे टूट गए सबके मरम्मत करब पेटिशन वाल पहिने प्रोटेक्शन वाल पहिने दे तक तक सड़क निर्माण करब और हर जनता के सुख दुख में से हम शामिल रह हम जनता के बुझाव चाहे आग्रह कर बच्चों को मान लीजिए किसी विभाग में अगर मेरे द्वारा मुखिया के द्वारा अधिकृत किया जाएगा नौकरी तो मैं उसमें सहयोग करूँगा गरीबों को प्राथमिकता दूंगा युवकों को सहयोग करूँगा समर्थन करूँगा। खासकर जो स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ देखा जा रहा है कि बहुत अच्छे से व्यवस्था नहीं है तो इन सभी बातों की मैं हम अगर मुखिया भऽ जाइ छी तो स्वास्थ्य उपकेंद्र जो मझोलिया गाँव में है ओकरा उठाकर आनंदपुर शहर गाँव में स्थापित करब ये हमर वादा रहब एम्बुलेंस के व्यवस्था करब पब्लिक के लिए अहिठाम से उपकेंद्र से एम्बुलेंस के व्यवस्था करब हम तस्वीर बदल देब कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत तुरंत सुविधा शुल्क मैंने सुविधा उपलब्ध करा तुरंत हर जो 3,000 रुपया होती से घरे घरे पहुँचा देव किसी हमारा तो दौड़ नहीं पड़ते किसान के लिए कोनो योजना है पंचायत स्तर से वो सर्वसुलभ करा कोनो वार्ड मेंबर के से ई नहीं महसूस हेतन जे हम वार्ड मेंबर छी मैंने हुनका सबके सम्मान देवन स्वाभिमान देवन और भाई जकाँ निर्वहन करब और हर सरकारी योजना के जनता के लिए से सुलभता से उपलब्ध कर हर सरकारी योजना के और जे स्तर के काम होना चाहिए से नहीं भेल है तो हम ओकरा जे छै से पंचायत में हरेक जाति धर्म के लोग के लऽ कऽ चलब गरीब अमीर सबके लऽ कऽ चलब और सबके हर योजना के लाभ हर व्यक्ति के देवे पंचायत में हमरा नजर में अछि जे काज बढ़िया से नहीं भेलै ओकर उदाहरण है जे हमर घर टूटल है टूटल फूटल है हमरा इंदिरा आवास के सुविधा अखन तक नहीं भेटल है। अच्छा आपको अभी तक नहीं मिला? जी नहीं। आपने अप्लाई किया था कि नहीं किया था? जी नहीं अप्लाई किया। आपने अप्लाई भी नहीं किया और आज तक आपको इंदिरा आवास नहीं मिला? हमको मालूम हुआ कि क्या लग रहा है पंचायत में इस वक्त क्या कमी है जिसको मतलब आप पूरा करेंगे या जिसको पूरा करना चाहिए था? हम हर व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव के समानतापूर्वक सम्मानपूर्वक सबको सरकारी योजना का लाभ सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध करा दूंगा। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के लिए जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको वोट करेंगे? हम 25 साल से जनता के हर सुख दुख में शामिल रह गए कोनो एक्सीडेंटल घटना भेले कोनो श्राद्ध छे केओ मरि गेला केओ किनको विवाह छन हम सब हर सुख दुख में जनता के संग 25 साल से रह गए हमरा पूर्ण भरोसा है आशा है विश्वास है जनता हम जहाँ जाइ छी हाथों हाथ लै छै आशीर्वाद दै छै हमरा पूर्ण भरोसा है जे हम सफलतापूर्वक विजय हासिल करब। हम कार्ड वाला मुखिया नहीं रहब हमरा कार्ड देब अहाँ तखन अहाँ ओहिठाम शादी में श्राद्ध में उपनयन में मुंडन में दुख सुख में कोनो घटना में बड़ बीमारी में उपलब्ध है से नहीं हमरा हम हर आदमी के से बिना कार्ड में कार्ड नहीं दिया हम अहाँ के समाज में बेटा बनकर रहब बहन के भाई बनकर रहब और अहाँ के हर सुख दुख उपलब्ध रहब आसानी से उपलब्ध रहब और वादा करै छी जे हम अहाँ सबके सुख दुख में फर्ज निभाएब ईमानदारी पूर्वक। कि अमरनाथ जी खासकर आधुनिक जमाना चल रहा है आधुनिक जमाने में क्या आपने सोचा है जो पंचायत को आप देने वाले हैं आगे खासकर आधुनिक जमाने के जहाँ डिजिटल इंडिया चल रहा है डिजिटलाइजेशन चल रहा है तो वहाँ पर आप क्या देना चाहते हैं? जो सरकारी योजना होगा उसमें जितना तक हो सकेगा पारदर्शिता से हम करेंगे। अभी किसी पंचायत में वाईफाई नहीं दिया गया है खासकर अगर बात करें और टावर की भी समस्या है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ है जहाँ क्या मेरे पंचायत में वाईफाई की सुविधा नहीं है स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है जमीनी स्तर पर बहुत सारा काम बाकी है जिसका मैं ठीक ढंग से निर्वहन करूँगा और वाईफाई भी लगवाऊँगा स्ट्रीट लाइट भी लगवाऊँगा और जहाँ तक हो सकेगा हर जाति के लिए हर धर्म के लिए वाईफाई की आपने बात की लगाएंगे आप तो वाईफाई कहाँ से लगाएंगे क्या योजना लाएंगे? सरकारी योजना है वही तो सरकार के तरह मैंने सरकार के स्तर से होता है उसको हम समय पर जनता को उपलब्ध कराएंगे पंचायत को उपलब्ध कराएंगे समय से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद आपका भी। सोहरा पंचायत के जो नए कैंडिडेट हैं इस बार के पंचायत चुनाव के लिए, अमरनाथ झा, जो लगातार इन्होंने कहा कि 25 वर्षों से ये लगातार अपने क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं समाज के अंदर, खासकर ये इन्होंने कहा है कि हम समाज में जो बाकी है वो बदलाव करेंगे और खासकर बिन कार्ड के नेता बनकर जाएंगे। जो नेता आजकल बिना कार्ड के जाते नहीं हैं, जो जनता के वोट से जीतकर पंचायत में रहते हैं वो बिना कार्ड के नहीं जाते हैं, इन्होंने ऐसा कहा है। अब देखते हैं आगे कि पंचायत चुनाव में क्या होता है और कैसे होता है। देखते रहिए भारत उदय समाचार, जगजीत के साथ।